प्रॉपर्टी विवाद में बेटे ने मां बाप की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। 72 वर्षीय ललिता प्रसाद के 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी कर चुके थे। दोनों बेटे दुर्गेश और उमेश एडवोकेट हैं। ललिता प्रसाद के ने गांव में 2 मकान अपने बेटों को दे दिए। एक मकान में खुद रहने लगे। दुर्गेश जिस मकान में रहता है उसके निकास का रास्ता ललिता प्रसाद के मकान से होकर जाता है। ललिता प्रसाद निकास के लिए दुर्गेश को चौड़ा रास्ता दे रहे थे। दुर्गेश निकास के बदले ललिता प्रसाद का पूरा मकान चाहता था। इसको लेकर पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था, लेकिन रिश्तेदारों ने पंचायत कर मामले को सुलझा दिया। लेकिन सोमवार को दुर्गेश ने बाप को कमरे के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया। टॉयलेट में माँ पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारोपी एडवोकेट वहां से फरार हो गए। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।